हम पाकिस्तान में रहते हुए चीनी खाने बहुत शौक से खाते हैं। चीन से शुरू होने वाली डिश को हम चीनी खाने का हिस्सा समझते। चीन में उन खानों का नाम व निशान तक न था। हमारी यूनिवर्सिटी चीन में सहाफत की तालीम के लिए बेहतरीन तस्वर की जाती है। उस यूनिवर्सिटी में 17,000 तालिब इल्म ज़ेर तालीम हैं। उन यूनिवर्सिटी में तदरीसी और रहायशी इमारतों के अलावा खूबसूरत पार्क भी मौजूद हैं। दिन भर के थके हारे तुलबा शाम को उन पार्कों में टालते हुए नजर आते हैं। यूनिवर्सिटी का अपना टीवी स्टेशन है जिसे तुलबा खुद चलाते हैं। यूनिवर्सिटी में एक मीडिया म्यूजियम भी मौजूद है जहां ज़राया अबलाग को मुख्तलिफ आलात की सूरत में कदीम जमाने से जदीद जमाने में दाखिल होते देखा जा सकता है। उसके अलावा यूनिवर्सिटी में 2-3 जगहों पर सहाफियों, कैमरा पर्सन और डायरेक्टरों के कई मुजस्मे भी नस्ब किए गए हैं। अगले दिन हॉस्टल से बाहर नकुल कर यूनिवर्सिटी का जायजा लिया। मालूम हवा यूनिवर्सिटी में 3 कैंटीन हैं जिनमें से एक मुसलमान तालिब इल्मों के लिए मख्तस है। हम पूरा हफ्ता वहाँ से खाना खाते रहे। चीनी उबाल कर चावल खाते हैं और हर खाने के साथ सूप भी पीता है जो चावलों की पिच भी हो सकता है और धनिया और मूली डालकर उबाला गया पानी भी हो सकता है। कैंटीन में हमारी पसंदीदा डिश था पान ची थी जो असल में आलू और चिकन का सालन होता है। ये चीन के एक सूबे संकियांग का खाना है। किसी अच्छे रेस्टोरेंट से खाएं तो काफी मजे की लगती है। यूनिवर्सिटी के कैंटीन का खाना चीन में भी पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी की कैंटीन के खाने की तरह बेजायका ही होता है। चीनी खानों का कई अकसाम है। हर सूबे का खाना दूसरे से मुख्तलिफ है। कहीं नूडल्स खाए जाते हैं तो कहीं राइस, कहीं मिसाल है हमारी तरह के हिसाब डाले जाते हैं तो कहीं उनसे मुकम्मल परहेज किया जाता है। हाँ, चीनी खानों में तेल का इस्तेमाल बहुत होता है। चीनी खाना जल्द खा लेते हैं। दिन का खाना 11 से 12 के दरमियान खाया जाता है और शाम का 5 से 6 के दरमियान। उसके बाद चीनी बात करते हैं, जॉगिंग करते हैं या अपनी पसंद की कोई सी भी वर्जिश करते हैं। शायद इसी वजह से बड़ी तवंगु पेटों से महरूम है। चीन के हर छोटे बड़े शहर में हलाल रेस्टोरेंट आसानी से मिल जाते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी के पास ही 5 हलाल रेस्टोरेंट थे। चीन भर में ज्यादातर हलाल रेस्टोरेंट संकियांग के लोगों ने खोले हुए हैं। वो वहाँ संकियांग के खाने सर्व करते हैं जो बहुत हद तक पाकिस्तान खानों से मिलते हैं। उन रेस्टोरेंट्स के बाहर मस्जिद का कलमा लिखा होता है या अरबी में हलाल लिखा होता है। चीनी खाने को हाथ लगाना अच्छा नहीं समझते। वो हर चीज चॉपस्टिक से खाते हैं। कोई ऐसी चीज जो हाथ में पकड़ कर खाई जाती हो उसके लिए वो प्लास्टिक के दस्ताने पहनते हैं और फिर उस चीज को पकड़ते हैं। हम नूडल्स के लिए चॉपस्टिक इस्तेमाल कर लेते थे और चावलों के लिए चम्मच मांग लेते थे, मगर नान हम हाथ से ही खाते थे। हमने महसूस किया कि जैसे ही हम नान पकड़ते थे, फिर की मेजों पर मौजूद चीनी ऐसे हैरान होकर हमें देखते थे जैसे हम कोई अनोखा काम कर रहे हों। उन रेस्टोरेंट्स में नान भी मिलता है जो हमारे नान की तरह खस्ता और हिलता नहीं होता बल्कि पदरे भारी और सख्त होता है, लेकिन खाने में बिल्कुल नान जैसा होता है। हम उसके साथ मटन बार भी क्यों मंगवाते थे। चीन में बार भी क्यों के लिए बस 3 मिसालों का इस्तेमाल किया जाता है।